हेलो भाई लोग, जय हिंद। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जो भी 2022 की वैकेंसी आई है उसकी हम मैथमेटिक्स का सेक्शन कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स कवर करवाऊँगा, इस वीडियो में नहीं, लगातार प्रैक्टिस आपकी चलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दिन पहले नंबर का क्वेश्चन है, बीच में हम कुछ बातें आपको बताऊँगा वो आपको फॉलो करते हुए चलना है। पहले नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका कि 200 तथा 300 के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। आपको ये बताना है बेसिकली कि 200 एंड 300 के जो मिडल में आते हैं सभी ओड जो नंबर्स होते हैं उनका योग कितना होगा, उनका सम कितना होगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, तो पहले और मैं जैसे अभी तक बेसब आर ओ का मैंने तैयारी करवाई तो मैथमेटिक्स जैसे उसमें लगवाता था मैं, सेम एज इट इज़ इसमें भी करवाऊंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, 200 एंड 300 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योग आपका कितना होगा, हमें ये बताना है। तो योग निकालने के लिए हमें तो फॉर्मूला पता होता है, SN इज इक्वल टू क्या होता है, SN इज इक्वल टू हो जाता है n/2, यहाँ पे हो जाता है ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 × d, यानी आपको यहाँ पे लिख लेना। अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो यहाँ पे n-1 × d हो गया, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ, पहले तो फाइंड करना है कि नंबर कितने हैं 200 और 300 के बीच में, विषम कितने नंबर होंगे। तो वैसे नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ कितने नंबर होते हैं, तो 50 नंबर होते हैं विषम जो कि 2 से ना कटें, यही आपके विषम होते हैं जो कि 2 से ना कटने, बस वही हैं विषम, उसे ही कहेंगे जो 2 से ना कटे, और अदर नंबर से हमें मतलब नहीं है। ओड उसे ही कहते हैं जो आपका 2 से नहीं कटेगा, वो नंबर को हमें फाइंड करना है। तो 200-300 के बीच में आपके 50 टोटल ऐसे नंबर होंगे, लेकिन हमें क्या, हमें भी उसको भी निकाल लेते हैं। चलो एन की वैल्यू भी हम निकालेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस का n-1 × d, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स जब दिया होता है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, पहला टर्म निकालना हो या लास्ट टर्म निकालना हो, तब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट टर्म आपकी कितनी दी हुई है, तो 200 से 300, यानी 300 के बीच में, नहीं यहाँ पर रुक जाओ, 300 नहीं दिया आपकी, तो 200 से लेकर 300 तक के बीच की अगर हम विषम संख्याएं लिखेंगे तो कौन कौन सी आएंगी। पहला तो अगर 200 तो आएगा नहीं, क्योंकि 200 कट जाएगा 2 से, 201 होगा, 203 होगा, उसके बाद 205 होगा, 207 होगा, फिर डॉट 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 कितने तक जाएगा, 299 जाएगा, यानी 299 तक जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि आपका सिर्फ वो वैल्यू 2 से कटनी चाहिए, बस 2 से अगर नहीं कट रही है, यानी 2 से नहीं कटनी चाहिए, अगर 2 से कट जा रही है तो वो तो सम मानी जाएगी, अगर 2 से नहीं कट रही है तो आपकी विषम मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, कौन सा, ए प्लस का n-1 × d इज इक्वल टू यहाँ पे एल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे हम धीरे धीरे वैल्यू पुट अप करते चलेंगे। ए की वैल्यू कितनी थी, 201 कितनी, 201 रखी थी हमने, एन हमें निकालना है तो n-1 ही कर देंगे हम, इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितने का था, तो 201 के बाद 203, 203 के बाद 205, 205 के बाद 207, 207 के बाद 209, यानी लगातार दो दो नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पीछे वाले में से पहले नंबर को घटाया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 मिल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू लास्ट टर्म आपकी 299 थी। यहाँ पे इतना हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं मैं। अब आपको क्या करना है, एन निकालना है, तो ये आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा कि 201 इधर प्लस का है, इक्वल के उधर 299 ही 299 लिखा हुआ है। इसको अगर हम उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, उधर लेकर जाकर पक्षांतर कर रहे हैं, तो 299 में से 201 जो है घट जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना, बिल्कुल आ जाएगी आशा करता हूँ मैं। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा, 201 को जैसे लेके जाए हमने घटाया वहाँ पर 299 में से, तो 8 आपकी वैल्यू फाइंड हो गई। उसके बाद अब यहाँ पर बचा, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ n-1 × 2 इज इक्वल टू 8, इतना बचा आपका, बताइए इतना बचा कि नहीं बचा। उसके बाद अब ये मल्टीप्लाई में 2 लगा हुआ है इसके, तो मल्टीप्लाई में कोई चीज़ रहती है इधर, वो ट्रांसपोज होकर बट्टे में जाएगी, तो यहाँ पे डिवाइड में लगा देंगे हम, यहाँ से 2 हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 से 8 को काट देंगे, तो 4 टाइम्स कट जाएगा, n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे अब आपका कटेगा यानी यहाँ पे, तो n-1 इज इक्वल टू 4, एन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 50 बताया था, मैंने गलती कहाँ पे की यहाँ पे, तो मैंने गलती वहाँ पे कर दी कि 299 में से जब 201 कटा तो बचा कितना आपका 299 में से, यहाँ पे आपको घटा के देखना है, मैंने 8 लिख दिया, तो 299 में से आपको क्या घटाना है, 201 को घटाना है, तो यहाँ पे बच जाएगा, इनों में से आ गया 8 बचा, यहाँ पे 98 कितना बच गया, 98 बचता, मैंने वहाँ पे 8 लिख दिया, गलती मैंने वहाँ पे कर ली, चलो यहाँ पे आगे मैंने सुधार कर लिया उसमें। उसके बाद यहाँ पे 98 बचा, तो n-1 इज इक्वल टू 98/2 हो जाएगा, फिर से
यानी वो दो तो डिवाइड में आ ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे n माइनस वन इज इक्वल टू 49, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू अब आपका 50 फाइंड हो गया। तो आशा करता हूँ अभी पीछे मैंने रॉन्ग कर दिया था, मैंने खुद भी रॉन्ग कर दिया था, वो कन्फ्यूजन में था, दिमाग में था नहीं, मैंने सोचा 210 लिखा हुआ उधर और 201 घटा दिया हमने, 209 लिखा था 201 घटा दिया हमने, 208 बच गया, लेकिन वहाँ पे 219 यानी 299 लिखा हुआ था, तो n की वैल्यू यहाँ से 50 निकल के आ गई। अब हम रख देंगे फॉर्मूले में तो कितना हो जाता है एन बाई टू यानी 50/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू 201 थी तो 201 का जब दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 402 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। एन की वैल्यू 50, 50 में से एन माइनस वन होता है तो 50 माइनस एक 49 और 49 गुड़े दो, कॉमन डिफरेंस दो का था तो 49 दुना 98 आपका हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा। इधर इतना आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 50/2 और 402 में जब 98 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा आपका 500 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 25 बार में, 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर आपका क्या बचा लास्ट में 25 गुड़े आपका 500 कितना हो गया 25 गुड़े 500, 25 पंचे 125 हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे 125 00 लास्ट में लगा देंगे, आपका राइट आंसर यही आपका फाइंड होके निकल के आ जाएगा। अब आपको पेपर में इतने बेसिकली नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम लेके नहीं करना है आपको, जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया वो आपको दिमाग में सारा वर्क कर लेना है, दिमाग में मैं कर रहा था इसीलिए मुझसे गलत हो गया, गलती हो गई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पहले वाला स्टेप मैंने किया, जो n निकालने वाला स्टेप मैंने किया, वो आपको माइंड में कर लेना है। जैसा कि अभी यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, वहाँ पे इन्होंने n की वैल्यू निकाली नहीं है, वो माइंड में ही रख के उन्होंने कर ली है, तो उन्होंने लग के यहाँ पे डायरेक्ट पुट अप कर दिया, तो वो पहले आपको कर लेना है, देन आपको ईजिली आप पेपर में टाइम कंज्यूम कर पाओगे। और अरिथमेटिक है, नॉन टेक्निकल मैथ है ये, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर बेसिस पे, अगर प्रैक्टिस होगी आपकी तो आप क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर पाओगे, बस इतना कहने का मतलब था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12500 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 152 में दो नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का, कि एक प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आपका एग्जाम होता है सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपका एग्जाम होता है उसमें पेपर देकर आते हो आप, पेपर निकालने की कोशिश में रहते हो, कैसे निकल जाएगा, लेकिन अब आपको सेम एज इट इज अपने पेपर के हिसाब से ही ये क्वेश्चन करके बताना है। आइए देखते हैं कैसे करके बता पाएंगे हम। तो एक प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न आपके दिए हुए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न दो अंक का है, यानी हर एक प्रश्न दो अंक का है, परंतु प्रश्न गलत करने पर -1/4 अंक दिए जाते हैं, यानी 0.025 जो है वो अंक दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्न हल किए तथा उसको 58 अंक प्राप्त हुए, तब ज्ञात कीजिए कि उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न आपके सही किए थे। तो आइए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको कैसे होगा। यानी आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मान लो उसने कितने सही अंक कर लिए, हमने मान लिया यहाँ पे x मान लिया, अब भाग मत जाना यहाँ पे कि मान के कर रहे हैं, मान के कर रहे हैं आपका इजी ही बनेगा, वो आपका लॉन्ग नहीं बनने वाला है। यहाँ पे हमने मान लिया कि x क्वेश्चन हमने गलत वो सही कर दिए हमने सही कर दिए, अब हर सही के लिए दो अंक दिया जा रहा है, और यहाँ पे उसने कहा कि एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्न हल किए, कितने सभी टोटल प्रश्न उसने सॉल्व किए हैं, टोटल यानी कि 200 के 200 सॉल्व किए हैं, तो इसने सही कर दिए, तो गलत कितने किए, तो गलत आपके 200 माइनस एक्स किए कि नहीं किए, यहाँ पे आप बताइए हमें। x अगर उसने सही कर दिया तो 200 माइनस एक्स उसने गलत कर दिया, दोनों का सम करेंगे 200 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमें क्लियर हो गया, यानी आपका सही का है ये गलत का हो जाएगा, रॉन्ग का हो जाएगा। अब हर एक प्रश्न के लिए आपको दो अंक दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, प्रश्न के हिसाब से दिया जा रहा है, और हर गलत अंक के लिए आपको -1/4 अंक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, -1/4 अंक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके बाद आपको मिले कितने अंक, 58 अंक उसके बाद आपको प्राप्त हुए, तो क्या करेंगे, यानी हर एक सही पे दो अंक दिया जा है, तो x सही अंक थे तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद हर एक गलत पे -1/4 दिया जा रहा था, तो यहां पे 200 माइनस का x हो जाएगा और इनटू यहां पे 1/4 हो जाएगा, और प्लस करने पे हमें पूरा मिला के जो 58 पर आया हुआ है, तो यहाँ पे एक माइनस एक 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस होने के बजाय माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या कर देंगे 58 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक आपका इक्वेशन बना, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x तो इधर ही रहने दो, आप जब 1/4 का मल्टीप्लाई करा दोगे इसमें तो 200/4 हो जाएगा, 200/4 जब काटेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना 4×5=20 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा x/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे चलो वो मिट गया, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2x माइनस का, यहाँ पे दोबारा से मैं 50 माइनस का क्या
एक्स बाई फोर इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा इज इक्वल टू 58, इतना बचेगा इधर, इतना बच गया। उसके बाद जब माइनस करेंगे तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसे माइनस कर देगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये इसे प्लस कर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आगे ये बन गया फिर अलग से 2x माइनस का 50 प्लस का एक्स बाई फोर इज इक्वल टू 58 हो गया। अब इसको माइनस को इधर लाके हम ऐड कर लेंगे तो 58 में 50 ऐड हो जाएगा तो 138 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 138 अंक को आपका हो जाएगा 138 हो जाएगा। और 2x में वो एक्स बाई फोर ऐड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या फाइंड होगा, 4 × 2 = 8x प्लस का एक्स, तो 8x प्लस का एक्स 9x/4, तो 9x/4 इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे 9x उनको ऐड करने पे 9x/4 फाइंड हुआ और यहाँ पे 138 उनको जोड़ने पे फाइंड हुआ। अब हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी कितने प्रश्न उसने सही किए थे। यहाँ पर डायरेक्टली हम काट रहे हैं तो 9 से काट रहे हैं तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, दो बात हो जाएगा नहीं, और 9 3 12 होता है, 9 4 13 होता है, 9 से भी नहीं कटेगा आपका ये, 9 एक कम 9 और 9 4 13 सॉरी फॉर देट, यहाँ पे 138 नहीं आएगा, 58 में हम 50 ऐड करेंगे, कितना 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 5 10 108 आएगा, कितना आ जाएगा 108 आएगा, ना कि आपका 138। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9x बाई का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 108, कितना आ जाएगा 108। अब 9 से यहाँ पे कट कर लेंगे तो 12 × 12 = 108 होता है, तो 9 का आपका 12 टाइम्स कट गया। फिर यहाँ पे ये डिवाइड में है x, उसे ले जाएंगे उधर तो या किस में चलेगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 48 आपका आंसर मिल जाएगा। यानी उसने कितने सही को टोटल किए थे, तो उसने 48 जो है क्वेश्चन वो सही किए थे, तो उसे आपका वहाँ पे आपका जितना अंक 58 अंक प्राप्त हुआ था। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रश्न ईजिली समझ में आ गए होंगे। लॉन्ग बनता इसलिए चला जा रहा है क्योंकि मैं आपको क्लियर कट समझा रहा हूँ, स्क्रीन छोटी है इसीलिए बार बार मिटा के लिखना पड़ रहा है दोबारा से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और इसका सोल्यूशन भी आ गया। आप परेशान मत होइए कि सोल्यूशन मैं मिटा दे रहा हूँ, मिलेगा कहाँ मुझे, तो इसका जो सॉल्यूशन है एज इट इज वो अभी आपको इस पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पे प्रोवाइड कराई जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल का, वहाँ पे जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लेटेस्ट आपका वीडियो आती रहेगी, आप उसे वॉच करते रहना और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देन आगे बढ़े, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि 1 होल 3/4, 2 होल 1/2, यानी 1 सही 3/4, 2 सही 1/2, 5 सही 7/12, 3 सही 1/3 तथा 2 सही 1/4 के योगफल में छोटी से छोटी कौन सी भिन्न घटाई जाए कि प्राप्त परिणाम एक पूर्णांक हो जाए। तो क्या घटाई जाए कि प्राप्त पूर्णांक एक पूर्णांक हो जाए। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इनको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें फ्रैक्शन बनाना है, कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लाना है हमें, यानी यहाँ पे आपका मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 सही 3/4 का मतलब 4 × 4 = 4, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 × 2 = 4 = 5/2 इसकी वैल्यू 5/2 हो जाएगी, 12 × 5 = 60, 7 × 7 = 67, 67/12 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और 3 × 9 = 10/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर यहाँ पे 4 × 2 = 6, 7 × 7 = 4 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। अब करना क्या है हमें, अब मैं आपको इजीली बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी है, सबको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, उसके बाद हम सभी को ऐड कर लेंगे। कितना कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको फ्रैक्शन में मिलेगा कुछ ना मिलेगा, ऐड करने के बाद आपको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ मिलेगा। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे 7/4 लिख लिया चलो हमने, अब यहाँ पे 2 × 2 = 4 = 5/2, 2 × 5/2 लिख लिया हमने, और 12 × 5 = 60, 7 × 67 = 12 लिख लिया हमने, और प्लस का 3 × 9 = 10/3, यहाँ पे ये दोबारा लिखा हुआ है 7/4 2 बार है, तो एक बार ये मैं ऐड कर रहे हैं इसे, यहाँ पे उसे छोड़ दो। अब यहाँ पे डिवाइड करने, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो या तो इधर रेशनलाइज कर लो, इसे हम रेशनलाइज कर लेंगे, बेस सेम बना लेंगे, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर करा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसका इधर तो बनेगा 67/12 प्लस 10 × 40 = 40/12 हो गया। अब 67 में 40 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10 = 107/12, 107/12 हो गया। अब वहाँ तो आपका क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 107/12 आपका मैं लिख दे रहा हूँ, 107/12 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका बेस हमें सेम बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 10 = 7, 10 × 7 = 17 हो गया, 4 हो गया, 17/4 हो गया, कितना हो गया 17/4। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे था आपका 17/4 और इधर क्या बना था 107/12, कितना बना था 107/12। अब फिर हम बेस चेंज कर लेंगे, इधर 4 × 3 = 12, इधर 3 से फिर इधर मतलब किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर भी, फिर नीचे बेस सेम हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट ही जुड़ जाएगी, 17
51 हो जाएगा। अब 107 में 51 ऐड करेंगे तो 107 में 51 ऐड करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 7 × 8 = 5 और यहाँ पे 158/12 फाइंड हो जाएगा। क्या 158/12 फाइंड हो जाएगा, इतना आपको फाइंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये फाइंड हुआ फ्रैक्शन, तो जैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में चेंज किया या फ्रैक्शन में चेंज किया, वैसे अब फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे हम, तो आपको इसको इससे डिवाइड देना है, डिवाइड देके मैं बता दे रहा हूँ। यानी यहाँ पे आपको लिखना है 158 यहाँ पे 12 × 12 एक बार ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 8 38 हो जाएगा, 12 × 12 = 24 जगह हट जाएगा तो यहाँ पे 38 × 36 घटेगा तो इक्वल टू 2 फाइंड हो जाएगा। शेषफल आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा आपका। अब रिमाइंडर 2 आने के बाद क्या करेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए। तो जितना टाइम्स जाता है, जितना टाइम्स जाता है उसे तो लगते हैं सही में, जो बोला जाता है ना 1 सही 2/3, तो सही में जितना लिखा जाता है जितने टाइम्स जाता है, तो यहाँ पे 13 सही 2/12 अभी आपका थोड़ा सा रोंग आ रहा है, 13 सही 2/12 आपका आ रहा है, 13 सही 2/12। अब यहाँ पे पूर्णांक जब हमें बनाना हो, मान लो नंबर यहाँ पे जो हमने ये हटाया था इसको भी ऐड करना है शायद इसमें, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन चलो हमने ये वाला लिया था, हमने दूसरा करा दिया, हम इसका आंसर बता देंगे अभी आपको। तो 13 सही 2/12 को हमें पूर्णांक बनाना है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, कॉमन सी बात है कि 2/12 को माइनस कर देंगे, बस 13 पूरा मतलब पूरा पूरा अंक बच जाएगा। पूर्णांक का संधि विच्छेद ही होता है पूर्ण धन अंक, तो आपको 13 सही 2/12 में से 2/12 माइनस कर देंगे तो 13 आपका पूरा पूरा अंक बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2/12 माइनस कर देंगे, 2/12 घटा देंगे तो आपका हमें पूर्णांक फाइंड हो जाएगा। वैसे आपको सेम जैसे मैंने अभी अभी बताया, सेम आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है, वैसे ही करेंगे आपको। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर फाइंड होगा आपको 5/12 निकल के आएगा, 5/12 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का 5/12 हो जाएगा, और जो मेरा निकल के आया था वो 2/12 निकल गया था। सेम एज इट इज़ है सेम क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन एक पॉइंट हटा दिया था सो उसकी वजह से रॉन्ग आंसर आ गया मेरा, अलग आ गया, लेकिन क्वेश्चन दोनों सेम ही कराया मैंने, मैंने अलग अपने तरीके से कराया, एक हटा दिया समझ लो ये था ही नहीं, मैंने अपने हिसाब भी आप पे इतना करा दिया, उसका आंसर 2/12 और आप एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन गए, इसको रखने पे 5/12 आ जाएगा, जो मैंने कराया उसका आंसर 2/12 आ जाएगा आपका। देन आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा, अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे, ये देखो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, जो मैंने कहा था ना यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने कर दिया है, यानी यहाँ पे आपको 50 वगैरह कहाँ से आया ये इन्होंने नहीं बताया, मैंने आपको क्लियर बता दिया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो आपको बस फोकस करके देखना है सॉल्यूशन, आपको ये सारा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दीजिए। देखो सेम एज इट इज जैसे ही लगाया था मैंने, ऐसे ही इन्होंने लगाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ये देखो इन्होंने भी क्या क्या सेम वही जो अभी क्या क्या नहीं इन्होंने भी वही किया है सेम, जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे 15 सही 5/12 बना इनका। अब 5/12 हटा देंगे इसी में से तो 15 पूरा पूरा अंक मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा, तो वही पूछा था कि पूरा पूरा अंक फाइंड करने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा, तो 15 सही 5/12 में से 5/12 घटा देंगे तो हमें 15 पूरा पूरा अंक फाइंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला है, अगला 154 नंबर यानी चौथे नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसका सरलतम रूप हमें बताना है, इसका सरलतम रूप होता क्या है, तो यहाँ पे वी बोर्ड मास नियम लगा देंगे, वी बोर्ड मास नियम, यहाँ पे बी बोर्ड मास बी होता है बेनाकुलम, जो आपके मिलता है इसमें नंबर सिस्टम में होता है बेनाकुलम होता है जिसके ऊपर बार टाइप का लगा होता है, तो ये कहता है वी बोर्ड मास नियम जो कहता है बेनाकुलम जो लगा रहेगा तो वो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, कहीं भी लगाओ बीच में हो किनारे हो मिडल में हो या साइड वाइड में हो तो आप सबसे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेनाकुलम है नहीं तो हम बात करेंगे ब्रैकेट से, ब्रैकेट भी नहीं है आपका तो हम करेंगे ऑफ से, ऑफ कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है का मतलब ऑफ, इसी आपका इंग्लिश वर्जन में नहीं है लेकिन ऑफ का मतलब क्या हो गया का, उसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखो कैसे आएगा, का आएगा, का करने के बाद डी आएगा, चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो 2 सही 3/4 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4 × 2 = 8 = 3 = 11 यानी 11/4 बन गया। डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड को साथ में हम चेंज करते चल रहे हैं, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जस्ट उधर वाली वैल्यू दाएं साइड वाली वैल्यू रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी 4 × 16 = 5 = 21 हो जाएगा, 21/4 तो एक्चुअल आएगा लेकिन जब मल्टीप्लाई लगा देंगे तो हो जाएगा 4/1
21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना आपका, उसका का मतलब ऑफ हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फिर लगा दिया हमने इसको हम एक्सपेक्शन को चेंज करने पे, तो 8 × 16 = 3, 8 × 16 = 3, 19 बटे 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 बटे 8 आपका आ जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आपका इसको हम एक्सपेक्शन को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 5 × 3 = 15 और 15 × 4 = 19, कितना हो जाएगा 15 × 4 = 19 बटे 5 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ऑफ लगा था ना, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे 4 × 8 कट गया आपका, 4 × 8 कट गया ना आपका, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, अब 19 बटे 42 आ गया, कितना यानी 19 बटे 42, फिर से लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 11 बटे 4 × 19 बटे 42, कितना 19 बटे 42 इंटू इसका कितना था 5 × 15 = 4 19, 19 बटे 5 आपका इसका राइट आंसर आ गया था। क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब कोई किससे भी कटेगा तो है नहीं, शायद मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 42 × 5 = 20 और 5 × 20 यानी 21 × 5, यहाँ पे मैंने कहीं रॉन्ग कर दिया भाई। हेलो भाई लोग, मुझे इस क्वेश्चन ना थोड़ा सा गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सॉल्व करने की करेंगे, तो यह इधर का देखो, इधर का इधर बच गया, ये तो अलग है, ये इतना बचेगा, ऊपर 11 बचेगा, 19 बचेगा, फिर 19 बचेगा, और वैल्यू इसमें जो दे रहे हैं वो छोटी छोटी वैल्यू दे रहे हैं। चलो सॉल्व करके आप देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा और इसमें इतने में हो नहीं पाएगा। अभी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा मैं, वहाँ पे आप प्रोवाइड कर लेना, सॉल्व कर लेना उसे इजीली, और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 19 में क्या होता है 361 हो जाएगा, और 11 × 361 करा देंगे हम, उसके बाद बटे में क्या कर देंगे 21 × 8 = 45, यानी 8 × 45 है 40 × 21 करने पे आपको राइट आंसर फाइंड हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी दे देंगे हम, सोल्यूशन इसके वीडियो की ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे चला गया 154 का पीछे था ना इसके, ये रहा आपका 154 का, ये जगह देखो यहाँ पे इन्होंने सोल्व कर लिया, 88 बटे 105 आया था इनका राइट आंसर, ये आपको देख लेना है 88 बटे 105, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ इन्होंने जैसे कहा रखा है, क्योंकि अभी वीडियो में उतने में कट पिट नहीं पाएगा ना, इतना लंबा लंबा वो मल्टीप्लाई है। यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, 11 बटे 4 बना इसका, 21 बटे 4 बना, 19 बटे 8 बना, 19 बटे 5 बना, सेम हमारा एज इट इज जैसे बना था वैसे इनका बन गया। उसका 11 बटे 4 इन्होंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, सो ब्रैकेट को इन्होंने सॉल्व कर लिया, तो यह इनका आ गया 21 × 19 बटे 4 × 8 आ गया 19 बटे 5 इतना आ गया। उसके बाद अब 11 बटे 4 अब इन्होंने इस ब्रैकेट को पलट लिया, क्या कर लिया, इस ब्रैकेट को ही पलट लिया, पलटने के बाद 4 से 4 आपका कट गया, 4 से 4 कट गया यहाँ पे इनका। उसके बाद 19 से 19 कट गया, 19 से 19 कट गया इनका, अब 11 × 8 = 88 आ गया, 21 × 5 = 105 डायरेक्ट इनका आंसर आ गया राइट। ये बिल्कुल आपका ट्रिक थी, सेम एज इट इज थी, यहाँ पे बस आपको कॉमन सेंस ध्यान से देखना, पहले पे इस ब्रैकेट को हम भी सॉल्व कर लेते तो हमारा शायद हमारा यहाँ पे बन जाता, हमारा थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा था, आगे सॉल्व करने पे आता, लेकिन इनका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका फाइंड हो गया, तो आपका सही सॉल्यूशन जो होगा वो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा 88 बटे 105। देन आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे, आपका तो कौन सी ऐसी संख्या होगी, तो बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9 9 और 9 होती है, कितनी 999 कितनी हो जाएगी, तो 999 हो जाएगा, कितना 999 हो जाएगा। उसके बाद आपका कह रहा है 6 9 12 से डिवाइड करने पर आपका हर दशा में शेषफल कितना बचना चाहिए, तो 5 बचना चाहिए। इसका शॉर्ट ट्रिक भी क्या होता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो पेपर में क्या करेंगे आप, 6 से डिवाइड करना चालू कर देंगे इसे, ए बी सी डी यानी 4 ऑप्शन हैं 4, अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो, अगर नहीं आता है वो तो जल्दी लग जाएगा, अगर फॉर्मूले से लगाएगा तुरंत लग जाएगा, लेकिन अगर स्पीड, लेकिन ये रहने दो करने को, आप यहाँ पे यही करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999 कितनी हो जाएगी 999 हो जाएगी। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, 6 9 12 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा 6 9 12 का एलसीएम क्या आएगा, तो 36 × 36 आएगा, 36 ये एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, छोटा से छोटा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, फुल फॉर्म होता है एलसीएम का, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36 है आपका। उसके बाद 36 जो है आप 36 से हम डिवाइड करा देंगे 999 को, कितने को, 36 को हम डिवाइड करा देंगे 999 से, तो यहाँ पे 36 कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 10 दिया 108 हो जाएगा, नहीं 36 दोनों 72 यहाँ पे ले जाएंगे, तो 9 में से 2 हो गया 7 बच जाएगा इधर, इतने यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 बच जाएगा, 9 बन जाएगा, तो 279 यहाँ पे फाइंड हो गया। अब कितने टाइम्स ले जाएंगे हम यहाँ पे, तो 36 में से हम कितने टाइम्स, यानी इतने कितने टाइम्स ले गए, तो 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, तो हाँ 8 बार ले जाएंगे, तो 8 बार यहाँ पे ले जाओ, तो 8 × 48 कैरी आवा कितने, कैरी आ गया कितना 8 × 48 कैरी आ गया 4, 8 = 8 =
यानी 8 नहीं 8 6 48 कह दिया या 4 और आर्थिक 24 4 28, ये 8 बार में नहीं जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे 7 टाइम्स कर लो तो 7 6 42 हो गया, कह दिया या 4 आ गया, 7 6 42 कह दिया या 4 और 7 6 21 4 25 आ गया। तो यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7 बचेगा आपका, 7 में से 5 गया, 2 बच जाएगा, 27 आपका जो बचेगा रिमाइंडर बच जाएगा, कितना 27 जो है आपका रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, तो आपका 27 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर जितना बचता है उतना उस नंबर में से माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे आपका 9 में से 7 गया 2 बचेगा, और 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 972 आपका बचा, और फिर इसके बाद जितना शेष बचा होता है क्वेश्चन में आपका दिया होता है वो इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो 972 प्लस का आपका 5 हो जाएगा, तो 977 कितना आपका राइट आंसर हो जाएगा, 977 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी छठे नंबर का क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात में हैं तथा उनका मासा 14 है, तो संख्याएँ क्या होंगी। तो मासा पहले क्या होता है, HCF यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आपका HCF होता है। संख्याएँ दी गई हैं 1 2 3 1 2 5 के अनुपात में दी गई हैं, किसके अनुपात में, 1 2 5 के अनुपात में दी हैं, तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं हम क्या, यानी यहाँ पे 14 दिया हुआ है ना, 14 दिया हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 14 है, तो यहाँ पे इस नंबर में देखेंगे 1 2 5 में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे कितना मिलेगा, तो इसका लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 2 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2, 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है 14 की, कितने की, 1 की वैल्यू 14 के बराबर दी गई है, तो यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई करा देंगे हमें एक्चुअल नंबर फाइंड हो जाएगा, तो 1 अगर यहाँ पे 14 कम 14 हो जाएगा और रेशियो हो जाएगा 28 का आ जाएगा, उसके बाद आपका रेशियो 14 5 70, यानी 14 28 और 70 जो है आपका एक्चुअल नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 28 एंड 70 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि 3 cube root 81 लिखा हुआ है माइनस का 2 cube root 192 लिखा हुआ है प्लस का 375 का क्यूब रूट हमें निकाल के यहाँ पे बताना है। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे देखो आप 81 को लिख सकते हैं 27 गुणे 3, उसके बाद 192 क्या लिख सकते हैं, तो 4 चौक 16 चौक 64 और 4 चौक 16 चौक 64 गुड़े कितना 2 चौक 3 चौक 64 गुड़े, यानी 64 गुणे 3 लिख सकते हैं। अभी ये क्या होगा यहाँ पे कि भी अभी यानी पीछे मैंने क्या किया था, इसके पहले मैंने प्रैक्टिस की थी, इसको प्रैक्टिस करके आप लगवा रहा हूँ, तो 192 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको मिलेगा इसका मतलब फैक्टर मिलेगा ये 64 गुणे 3, 375 को क्या लिखेंगे, 375 को आपके लिख सकते हैं 5 यानी 125 गुड़े कितना हो जाएगा 125 यानी 75 125 गुणे 5 कितना 125 गुणे 3, तीनों में 3 3 बचाना है, बस ये ध्यान रखना है तीनों में 3 3 आपका फैक्टर, ऐसा करो कि 3 बच जाए लास्ट में, 27 गुणे 3 64 गुणे 3 125 गुणे 3 आपका यहाँ से बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम आगे, पहले से इसमें 3 है तो 27 का जब क्या निकालेंगे क्यूब रूट निकालेंगे 27 का, तो कितना बचेगा 3 और 3 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 का हो जाएगा 3 9 यानी यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे 9 अंडर रूट थ्री हो गया ना, अंडर रूट 3 का क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब लिख देना है, बस लिखते नहीं मैं 1 में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आगे मैं ऐसे करता चला जाऊँगा। 64 का क्या निकलेगा 4 निकलेगा, 4 2 8 दो पहले था तो 8 हो जाएगा, इधर 3 लिख जा, 125 का 5 हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 इधर आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस लगा था यहाँ पे माइनस लगा लो आप, उसके बाद अब माइनस कर दो 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 में 5 ऐड कर देंगे कितना बचेगा 6 आपका 6 अंडर रूट 3 यहाँ पे क्यूब रूट लगा लो, इतना आपका निकल के आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करा के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, या भाई क्यूब रूट के बाहर आया तो 6 निकल के आया है, क्यूब रूट के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट के जब अंदर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 216 गुणे 3 हो जाएगा, 216 गुणे 3 करेंगे तो 3 6 16 3 48 648 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं क्यूब रूट आपका 648 जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ये देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है, ये इसको जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 14 तथा 800 हैं, यदि एक संख्या 28 हो तो दोनों संख्याओं का औसत आपको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे L इंटू H इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लासा गुड़े मासा हो जाता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। एल का मतलब एलसीएम, एच का मतलब एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है यानी 14 गुड़े कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है पहला नंबर आपका 28 दिया हुआ है, दूसरे नंबर का हमें क्या निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है, उसके बाद दोनों का औसत निकाल लेना है। तो यहाँ पे कर देंगे 14 कम 14, 14 दोनों 28 कट गया, और दो से कटेगा 800, 400 बार में कट जाएगा, तो दूसरा नंबर जो आपका 400 फाइंड हुआ आपको दूसरा नंबर। अब दोनों का औसत फाइंड करना है, तो 400 प्लस का 28 कर देंगे, बट्टे का 2 कर देंगे, तो औसत आपका फाइंड हो जाएगा। मीन कैसे, जैसे कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम, जितने टाइम्स हैं वो, तो दो टाइम्स हैं, तो 400 में 428 जब ऐड होगा, 28 जब ऐड होगा तो 428 हो जाएगा। तो 428 को जो दो से डिवाइड कराएंगे तो 2 × 4 और 2 × 14 × 28 हो जाएगा, 214 आ जाएगा। कितना आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आठवें नंबर के क्वेश्चन का। उसका नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं अभी BSFRO यानी रेडियो ऑपरेटर का जो टेक्निकल मैथ करा रहा था उसमें भी आपका ये पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल में भी आपका ये पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है नंबर √6 + √6, यानी इसका तो पहले शॉर्ट ट्रिक देख लो आप। अगर ऐसे आपको लिखा हुआ मिलता है, ऐसे अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो इसका पहले फैक्टर करते हैं, उसके जो नंबर होता है उसका ऐसा फैक्टर हम करेंगे कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस आपको 1 आना चाहिए। तो 6 के 1 से फैक्टर कितने मिलेंगे, तो 1 मिलेगा आपका, 2 × 3 इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आपका 1 मिलेगा यहाँ पे। तो यही फैक्टर आपको ढूंढना है कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको 1 ढूंढ के लाना है। कितना, 1 ढूंढ के लाना है। जैसे यहाँ पे 72 भी हो सकता है, तो 9 × 72 1 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अगर ये प्लस में चल रही सीरीज, यानी अगर प्लस बार बार जुड़ जुड़ के चल रही है, तो आपका जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा राइट, और अगर माइनस में चल रही है सीरीज तो आपका जो छोटा वाला नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। तो यहाँ पे मैं देखते बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस का सीरीज चल रही है और मल्टीप्लाई करने पे 2 × 3 बन रहा है, तो बड़ा वाला 3 है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करके भी हम देखते हैं, तो इसको क्या लेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x लेट कर सकते हैं, नहीं लेट कर सकते इसके पूरे को, 6 + √6 ……. आगे तक गया हुआ है। उसके बाद हम बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस का, फिर वही सेम सीरीज रिपीट होती चली जाएगी ना। इसको हमने माना पहले क्या था, x ही माना था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 6, इसे फिर यहाँ पे लिख देंगे x। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा था, इधर लिख देंगे 6, और यहाँ पे हमने माना पहले था उसे x, तो x इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6। अब यहाँ पे आइए हम सॉल्व करके बताते हैं आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6 लिखा हुआ है, क्या देखना रहता है इसमें कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 फाइंड हो और माइनस करने पे आपका 1 फाइंड हो, ऐसा दो नंबर आपको ढूंढना है। तो 3 और 2 हो जाएंगे, 3 × 2 = 6, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 ही बचेगा, तो इसका जो फैक्टर बनेगा 1 तो बन जाएगा x प्लस का 2 और 1 बन जाएगा x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। और जब x माइनस 3 को इज इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे तो आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपका आंसर फाइंड हो जाएगा 3, आपका राइट आंसर आ जाएगा। वही सेम चीज़ जब माइनस में रहता है तो ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है, वहाँ पे x माइनस 2 आता है, x प्लस का 3 आता है, तो वहाँ पे x माइनस 2 को जब 0 के इक्वल कर देंगे तो x बराबर 2 आपको फाइंड हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम 10th नंबर के क्वेश्चन पे, और मैं आपके रोज़ के रोज़ आपका 10 क्वेश्चन करवाऊँगा इस वीडियो में, टोटल कंप्लीट 10 क्वेश्चन करवाऊँगा और अच्छे से बेसिक से करवाऊँगा, पूरा समझा के बताऊँगा, निचोड़ बता के बताऊँगा, जितना मैं जानता हूँ उतना आपको डिलीवर कर दूँगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ बस। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है कि 625 की पावर 6.25 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 625 की पावर 6.25 लिखा हुआ है, और बटे में 625 की पावर 6.75 लिखा हुआ है, फिर 25 की पावर 2.6 और 5 की पावर आपका 1.2 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 625 बताओ 5 की कितनी पावर है, तो 5 की अगर पावर देखा जाएगा तो 5 की पावर 4 के बराबर है आपका, कितना 5 की पावर 4 है आपका, 625 की पावर लगी है 6.25, कितना लगा हुआ 6.25। उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे हम 5 की पावर 2 कर लेंगे, 5 की पावर 2 यहाँ पे कर लेंगे 2.6, इतना कर लिया हमने। नीचे भी सेम करेंगे तो 5 की पावर 4 इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ 6.75 मल्टीप्लाई 5 की पावर आपका 1.2 लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है ना। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका तो है ही है, तो 6.25 का मल्टीप्लाई जब 4 से होगा तो 6 × 2 = 24 हो गया ना, पूरा 6 × 2 = 24 और 25 × 100 यानी 25 बन जाएगी। कितनी आपका मल्टीप्लाई करा लो यहाँ पे,
625 लिखा हुआ है, गुड़े चार करा लेते हैं हम, 5 चौक 20 कह दिया है 2 और ज़्यादा नहीं 8 2 10 हासिल आया 1 कह दिया है, 6 को 24 1 25 तो यहाँ पे आ गया आपका, और 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा तो 25 बन जाएगा, यानी यहाँ पे 5 की पावर आपकी हो जाएगी 25, कितनी हो जाएगी 5 की पावर 25, और यहाँ पे करेंगे तो 5 की पावर 2 की पावर कितनी थी 2.6 थी, तो 2.6 × 2 करेंगे तो 2 6 12 हासिल हुआ 1, हासिल आ गया 1 आपका, 2 2 4 1 5, यानी 2 की 5 की पावर 5/5.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.2। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तो 5 की 6.75 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 5 20 कह दिया या 2 4 7 28 2 30 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 4 6 24 3 27 यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 27, कितना आ जाएगा 5 की पावर 27, यहाँ पे 5 की पावर आपका 1.2 ही बनेगा, इतना ही बन जाएगा। उसका आप क्या करेंगे, अब यहाँ से इस ये पूरी पावर से तो ये पावर आपकी कट गई 25 टाइम्स कट गई, यहाँ पे बचा कितना आपका, इधर बचा था 5 की पावर आपका 26, तो 26 2 52 हो गया, यानी 5 की पावर 5.2 बचा था यहाँ पे, यहाँ पे 5 की पावर 1.2, फिर यहाँ पे बचा था 5 की पावर 2 सॉल्व करने के बाद, इतना बच गया था। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया था। अब इसको ऊपर ले जाके माइनस करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, जब पावर जब हाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स आपका माइनस हो जाती हैं, बेस सेम रहना चाहिए, कंडीशन ये होती है आपकी, बेस अगर सेम है तो डिवाइड करने पे पावर्स माइनस हो जाती हैं, और अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 5.2 और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 1.2, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस ही तो होगा, वो डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 बन गया, 5 में से 1 गया तो 4, यानी 5 की पावर कितना गया 4 आ गया, ओबट्टे में क्या था 5 की पावर 2 था कि नहीं 2 था, अब 5 की पावर 2 से ये 2 बार कट गया, बचा आपका कितना 5 का स्क्वायर बच गया, कितना बचा 5 का स्क्वायर बच गया, 5 के स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी 25, तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें नंबर के क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये 10 क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया खुद के बिहाव पे, खुद के एक्सपीरियंस के बिहाव पे, वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, और आपको अगर क्लियर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अभी GKGS की क्लासेस भी आपकी SSC GD की कंटिन्यू होंगी, और रोजाना मैं 10 या 15 के आसपास क्वेश्चन मैथ के ऐसे ही बेसिकली आपको क्लियर डिलीवर कर दूंगा, सॉल्यूशन के साथ PDF आपको वंदे भारत 2.0 चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।